नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो मित्रों, जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको मिलवाएंगे उन शख्सियतों से जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, उसी कड़ी में आज जो हमारे साथ हैं वो है हमारे बड़े भाई विक्की जी। इनके बारे में मैं शायद आज से एक हफ्ता पहले बताता तो सिर्फ इतना बताता कि हमारे साथ इन्होंने बीएड करी हुई है, अभी ये पंचायत सचिव कार्यरत हैं, टेट क्वालिफाई ये की है वो की। लेकिन अब एक हफ्ते के बाद यानी कि आज के दिन अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन कहूंगा तो मैं इनको कहूंगा प्रोफेसर विक्की जी, क्योंकि हाल ही में अभी कॉलेज कैडेट का एग्जाम हुआ था और इन्होंने जो फिजिक्स के कैटेगरी में इन्होंने जो है वहाँ पे प्रोफेसर के लिए ये चयनित हो गए हैं, इन्होंने इस टेस्ट को जो है क्वालिफाई कर लिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि एक दूर दराज के गाँव से आता आया हुआ लड़का, जैसे कि मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि है सुकेत रियासत से, हमारे मंडी जिले के करसोग से निवासी है, वहाँ के एक बहुत ही मतलब गांव से बिलोंग करते हैं। सरकारी स्कूल में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई करी और आज इन्होंने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने जो है वो प्रोफेसर मतलब फिजिक्स के लिए जो कॉलेज कैडेट का एग्जाम है उन्होंने ये क्वालिफाई कर लिया है। तो मैं इनकी इंट्रोडक्शन तो ब्रीफली थोड़ी बहुत दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि विकी जी आपका हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार आप सभी, जितने कर भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने वैसे तो सब कुछ ही बता दिया है, मेरा नाम विक्की है और चुनीलाल मेरा वैसे रियल नेम है और विक्की मेरे को ऐसे ही मेरा निक नेम है और काफी फेमस नेम है। तो मैं बेसिकली नांज एक छोटा सा गाँव पड़ता है करसोग में, 35 किलोमीटर दूर, वहां से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो शुरुआती जो पढ़ाई है वो भी नाम से ही है, 10th तक मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद +1 2 जो है मेरी वो करसोग से हुई है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग से। और उसके बाद मेरी जो बीएससी है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज करसोग से ही वो भी हुई है। उसके बाद एमएससी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है और 2019 में मेरी एमएससी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद 2019 से 2020 तक 1 साल मैंने नेट और सेट के लिए दिया था और तैयारियां करी थी और कोशिश की कि जीआरएफ हो जाए। फिर 2020 में आपको एक बताया कि कोविड का एक बहुत ही भयंकर एक तूफान आया था सभी की समय जिंदगी में। तो उस दौरान जो है फिर जो नेट का जो एग्जाम होता था ये भी साल में कोई एक बार ही होने लगा था, तो जीआरएफ उस टाइम नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा कि बीएड कर लेता हूँ, उसका ही नंबर दिया था और फिर वो एंट्रांस क्लियर भी हो गया था और एचपी में मेरा नंबर आ गया था। उसके बाद मैंने फिर फर्दर बीएड जो है वो एचपी से की थी 2022 तक, इससे और आगे मैं 2022 के। बताना चाहूंगा, हाँ जी हाँ जी क्योंकि इनकी जो लाइफ की जो जर्नी है वो काफी लंबी रही है, काफी स्ट्रगल से भरा हुआ इनका पूरा जीवन रहा है। क्योंकि गांव से आना, फिर जैसे ही इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ रुख किया, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस क्लियर करके वहां पे जाना वो बहुत बड़ी बात है। हमें से बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम अच्छी जगह से जो है अपनी मास्टर डिग्री करें, तो पंजाब यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट है जहाँ तक मुझे लगता है। और वहां से मुझे लगता है इनका पूरा जीवन चेंज मतलब पूरा चेंज हो गया। इन्होंने वहां पे उन्होंने नेट क्वालिफाई किया, सेट क्वालिफाई किया। अब मैं बता देना चाहता हूँ ये नेट सेट क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एक होता है अपना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, आपने सुना होगा। उसके बाद आप अगर जेआरएफ हो जाते हैं तो आप पीएचडी के लिए एनरोल हो जाते हैं, और अगर जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए साथ साथ में आपको स्टाइफंड भी मिलता है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन उसके बाद की जर्नी जो है वो आपकी हमारे साथ एचपीयू में रही, हम एचपीयू में जो है साथ में सहपाठी थे और हमने देखा था। मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम डिनर करने के बाद 8:30 बजे थोड़ा सा वॉक कर रहे होते थे, तब ये लाइब्रेरी की तरफ से आते थे हॉस्टल की तरफ। मतलब हमने इनकी जर्नी देखी है कि किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया है, मतलब जो जर्नी होती है वो मैक्सिमम लोगों को नहीं दिखती कि चलो भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो सबको दिखता है। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि एक गाँव से आने वाले जो हमारे विक्की भाई हैं, जिन्होंने इतना मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉलेज के अंदर का मतलब प्रोफेसर तक का मतलब क्लास 1 का एग्जाम क्लियर करना कोई छोटी मोटी मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना कितना स्ट्रगल इनको इनका स्ट्रगल रहा होगा। साथ ही साथ इन्होंने बीएड की तैयारी भी करी, बीएड के लिए अपना जैसे आपका टेट क्वालिफाई किया, इन्होंने सी टेट क्वालिफाई किया, बीएड में पूरा अपना जो अपनी टीचिंग प्रैक्टिस है वो पूरी करी। और मैं देखता था कि जब हमारी टीचिंग प्रैक्टिस होती थी तो ये क्या करते थे, स्पेशली अपनी क्लासेस के लिए उन्होंने परमिशन ली थी प्रिंसिपल से कि हमें, मैं सिर्फ अपनी क्लासेस लगवाने आऊंगा और उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। और मैं देखता था कि 12 बजे तक लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, उसके बाद ये स्कूल जाते थे और 2 या 3 बजे के बाद ये दोबारा वापस
लाइब्रेरी में आप पहुंच जाते थे। मतलब ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम गया कोई बंदा और उसने क्वालिफाई कर लिया, नहीं भाई, इनकी जो जर्नी है वो हमने देखी है और ये बहुत बहुत गर्व की बात है अपने और एरिया के लोगों के लिए भी कि कहाँ से छोटे से परिवार से आने वाले जो विद्यार्थी होते हैं जो इतने बड़े मुकाम के ऊपर आज पहुंच जाते हैं, तो इनका श्रेय जो होता है, पहले इसके बारे में जानना चाहूंगा भाई, इसका टोटल टोटल जो श्रेय होता है आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, अपनी सफलता का श्रेय खासकर अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और हमारे पास जो है कमाने का कोई ज्यादा साधन नहीं है। खेती बाड़ी ही हमारा मेन व्यवसाय है, पर जमीन भी हमारे पास उतनी ज्यादा नहीं है और हमारे पास कोई भी कोई एक्स्ट्रा इनकम का साधन नहीं था। तो मेरी जो पढ़ाई है, पेरेंट्स ने रोका कभी नहीं, उन्होंने पूरा जी जान मतलब लगाया कि आप पढ़ाई करिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। साथ में को फिर थोड़ा हेल्प इंस्पायर स्कॉलरशिप से भी हुआ, मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप रहा हूँ, प्लस टू के बाद में स्कॉलरशिप मिली है, 80,000 पर एनम वो मिलती है और एमएससी तक मिली थी। तो हाँ उस सब से उसके बाद जो है साथ साथ टीचर्स का भी मैं बहुत जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। खासकर फिजिक्स के जो सर हैं प्लस 1 2 में, श्री पूरन चंद सर, मैं उनका नाम लूंगा, उन्होंने मेरे को स्कूल टाइम से लेकर आज तक मतलब हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। हर बार वो कॉल करते थे, बताते थे, सारी में मुझे प्रॉब्लम शेयर करता था। उसके बाद कॉलेज के जो मेरे टीचर रहे हैं डॉक्टर गुलशन महाजन सर फिजिक्स के और निधि मैम, उन्होंने काफी सपोर्ट किया थ्रू आउट। और भी टीचर है, रुचि मैम, बहुत सारे टीचर्स हैं, सभी के नाम तो लेना पॉसिबल नहीं है, उन्होंने मेरे को पूरी जो जर्नी है वो सपोर्ट किया। उसके बाद जैसे मैं एचपीयू की आपने जैसे बात करी, जब मैं एचपीयू भी गया था तो वहां पे जैसे मेरी एचयू के जो टीचर्स थे, वहां के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। तो जैसे टीपी मेरी लगी थी वहाँ स्कूल में, मैंने प्रिंसिपल मैम से वहां पे बात की थी, तो प्रिंसिपल मैम ने पहले तो ये कहा था कि भाई ये तो रूल्स के अगेंस्ट है ऐसे, फिर बाद में वो जैसे मान गए थे। और तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे जो है वो अलाउ किया कि आप जाओ, लाइब्रेरी का फायदा उठाओ। तो मतलब टीचर्स और पेरेंट्स, इन दोनों का मैं बहुत बहुत मतलब आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है थ्रू आउट जर्नी है काफी सपोर्ट किया मुझे। तो मैं अपने दर्शकों को भी ये भी बता दूं कि इस समय पर जो है विक्की जी पंचायत सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं। तो ये जैसे बीएड हमारी खत्म हुई इसके तुरंत बाद ये हमारे चले गए थे, हमारे पंचायत सचिव जिसको हम सेक्रेटरी कहते हैं, सेक्रेटरी बन गए थे। तो उन्होंने ट्रेनिंग भी हम यहाँ पे हमीरपुर में ही हुई थी, तो काफी ये ट्रेनिंग के दौरान भी उन्होंने काफी इंजॉय किया। मुझे इस बात का डर था कि कहीं ये अपने प्रोफेसर की तैयारी में कहीं भटक ना जाए, क्योंकि एचपीयू से आने के बाद ये थोड़ा सा वहां चले गए थे, लेकिन नहीं, मतलब जो इन्होंने अपना टाइम किस तरह से वो मैनेज किया था वो मैं जानना चाहूंगा आपसे, कि किस तरह से अपने ट्रेनिंग के दौरान अपना पूरा शेड्यूल जो आपने आज बनाए रखा था। हाँ जी बिल्कुल, जैसे एक ये जो जॉब है कॉलेज कैडरी, ये थोड़ी सी अनसर्टेन है कि मतलब कंटिन्यूटी में नहीं आती है, काफी टाइम के बाद आती है। तो मैंने ये सोचा था कि क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, तो मतलब कुछ ना कुछ तो थोड़ी कोई जॉब मुझे चाहिए बैकअप के लिए, ताकि उसके बाद मैं तैयारी अपनी कंटिन्यू कर सकूँ। मैंने ऐसे एग्जाम दिए थे, मैंने 2 JEE के एग्जाम दिए थे, 8 से 9, 39, लेकिन दुर्भाग्यवश वो दोनों कोर्ट केस में फंस गए। और इसके साथ मैंने पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम भी दिया था बीएड के दौरान, और वो जो है क्लियर हो गया था, और फिर मेरी वो जॉब लगी थी बीएड के तुरंत बाद ही लगी थी वो भी। फिर उसके बाद उसमें ट्रेनिंग के टाइम, मेरी 1 महीने की ट्रेनिंग वो हमीरपुर में हुई थी डीपीआरसी में, और 1 महीने की पुनाग में हुई थी। तो ट्रेनिंग का टाइम जो बहुत ही ज्यादा बहुत ही बढ़िया रहा था, बहुत एंजॉय किया हमने ट्रेनिंग में। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरा फोकस जो था, वो जो गोल था, वो मेरा पहले से था कि मैंने ये चीज करनी है, तो हमेशा माइंड में था। मैं जब एंजॉय करता था तो सर फुली एंजॉय करता था, लेकिन पढ़ाई को मैं छोड़ता नहीं था कि जो मेरा मेन गोल है वो मैं उसके लिए मैं टाइम निकालता ही निकालता था। अगर आपको एंजॉय किया सुबह पढ़ लूंगा, नहीं तो मतलब दिन में कभी ना कभी मैं टाइम निकालता ही था। और जब मेरे ट्रेनिंग में था उस टाइम में रिटर्न हो चुका था, तो रिटर्न मेरा हो गया था और मुझे था कि मेरा रिटर्न क्लियर हो जाएगा। फिर मेरा इंटरव्यू की तैयारी थी, तो इंटरव्यू के लिए तो आपको थोड़ा पर्सनैलिटी पर ध्यान देना होता है, आपके सब्जेक्ट में कमांड बनानी होती है, आपके कंसेप्ट में। तो वो चीज में दोनों चीजें साथ चलती थी, एंजॉय में फुल करता था। नाटी मुझे बहुत पसंद है, आपने अगर देखा भी होगा तो नाटी हमेशा ही मतलब जब भी होता तो मैं कोई पीछे नहीं हटता हूँ नाटी से। तो उसके साथ साथ मैं पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देता था, और वो हमेशा था रहता था माइंड में कि ये चीज तो करनी ही करनी है। वो ऐसा नहीं था कि भाई मैं भटक गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे आपकी एक लाइन याद आती है, एक बार हमने शायद एचपी में डिस्कस किया था कि आपने बोलते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार जो है फिजिक्स की आई है। तो उस टाइम हमें ऐसा था कि भाई अप्रोच वाले लोग लग पड़ते, तो आपने एक लाइन बोली थी कि मुझे इस हद तक तैयारी करनी है कि टॉपर्स नहीं आना है, ताकि अप्रोच का कोई मतलब कोई बचे ही ना, कोई वहां का अप्रोच का कोई साधन बचे ही ना, मतलब मैंने बिना अप्रोच के ही टॉपर्स में आऊंगा
और कोई मुझे निकाल के बता दे, आपकी लाइन आज मुझे याद है, तो मतलब इसका इतना मोटिवेट मतलब किस तरह से थे आप? देखिए, मेरे पहले से ही मैंने कॉलेज में डिसाइड कर लिया है कि मैंने करना कॉलेज कैडर या असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो उसके लिए जैसे कई लोग ऐसे भ्रांतियां फैलाते हैं कि भाई अप्रोच लगती है, ऐसे होता है वैसे होता है, जिनका तो अपनाना होता है। अब ये चीज माइंड में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर लाती है। तो लेकिन मैंने अपने आप को फिर भी मोटिवेट रखा कि ऐसी चीजें कुछ नहीं होती है, ये ऐसे मतलब लोगों को ऐसे भ्रांतियां फैली हुई है। तो मैंने ये रखा कि अगर ऐसी चीजें होती भी होंगी तो मतलब मैंने अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि मैं टॉप पे रहूं हमेशा। मैंने एक चीज लाइफ में जरूर ये चीज आभास किया है कि देर इज ऑलवेज वैकेंसी एट द टॉप, टॉप बिल्कुल पे हमेशा वैकेंसी होती है। तो हमने यही कोशिश की कि मैं टॉप पे रहूंगा तो मतलब कोई हिला नहीं सकता आपको वहां से। तो मैं हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मैं हमेशा जो है टॉप पे पहुंचू, और उस चीज के लिए हमेशा ये चीज अगर आप सोचेंगे कि आप टॉप पे पहुंचना चाहते हैं तो आप खुद ब खुद ही जो है मोटिवेट हो जाते हैं उस चीज के लिए। आपको हमेशा जो है जब कॉम्पिटिशन जब कॉम्पिटिशन जाते हैं तो आपने हमेशा ये रखना कि मैंने पहले स्थान पर पहुंचना है। जब आप पहले स्थान पर पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सेलेक्टिव होते हैं इस चीज के लिए। बिल्कुल। चलो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया। अच्छा आप थोड़ा मैं धन्यवाद। बदलना चाहूंगा, आपने हमारे साथ बीएड के बीएड के भी सहपाठी रहे, तो आपसे मैं दो सवाल तो मेरे बहुत ही जेन्युइन होंगे कि जो मैं बोलता हूँ जैसे स्टूडेंट को, मैं बोलता हूँ कि एचपीयू की लाइब्रेरी बहुत ही ज्यादा मतलब फायदेमंद होगी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपके लिए वो एचपीयू की लाइब्रेरी किस तरह से फायदेमंद रही, और आप बताएं कि एचपीयू की लाइब्रेरी में ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट रखता है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपना जो श्रेय है लाइब्रेरी को बिल्कुल देना चाहूंगा, क्योंकि एचपीयू में जो है लाइब्रेरी के बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। वो उस फैसिलिटी का फायदा सभी बच्चों को उठाना चाहिए। उससे एक तो क्या होता है कि जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं, जब और बच्चों को आप पढ़ते हुए देखते हैं तो एक माहौल बनता है वहां पे पढ़ाई का। जब मैं शुरू शुरू में गया, क्योंकि 2019 से जैसे मैं पीयू से वापस आ गया था तो फिर कोविड आया, फिर 2021 में गया था, 2 साल हो गई थी, तो पढ़ाई में उतनी कंटिन्यूटी नहीं थी। तो जब मैं जाता था तो पहले शुरू शुरू में 1-2 घंटे पढ़ पाता था, थक जाते थे उसके बाद। फिर मैं सामने और लोगों को देखता हूँ कि सुबह से मतलब मेरे से पहले पहुंच जाते थे, मैं 9 बजे पहुंच जाता था, उससे पहले पहुंच जाते थे बच्चे, वहां पे लाइन लग जाती थी पूरी, और वो बिल्कुल शाम तक कंटिन्यूटी पढ़ाई करने बैठे हुए हैं। यार इतनी कैपेसिटी पढ़ने की, तो वहां से वो चीज है कि अगर ये बच्चे बैठ सकते हैं पढ़ने तो हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं। तो थोड़ा पहले शुरू में तो दिक्कतें हुई, बैठा नहीं जा रहा था, फिर धीरे धीरे जो है वो कंटिन्यूटी बनी, और उसके बाद वो आदत बन गई। फिर तो ऐसा लगता था कि अगर मतलब आप लाइब्रेरी में नहीं जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार आज का दिन तो बर्बाद हो गया। तो उससे काफी हेल्प मिलती है। वैसे भी अगर सारा दिन आप 9 बजे जाते हैं या फिर रात को 8-9 बजे में वापस जाता था तो 12 घंटे में से 8 या 9 घंटे तो ठीक लग जाते थे पढ़ाई में। तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि नहीं आज कुछ अचीव किया है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा एचपीयू जाने का भी यही एक मेन रीजन था बीएड का, कि भाई मुझे वहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी और पढ़ाई में जो बहुत है बहुत मुझे वहाँ पे सहायता होगी। तो एचपीयू जाके लाइब्रेरी का फायदा सभी बच्चों को उठाना चाहिए और वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी ओवरऑल आपका बीएड का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। तैयारी के साथ साथ बीए का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे कलीग मिले, और हॉस्टल लाइफ मतलब एकदम से, मैंने पहले एक हॉस्टल लाइफ जी थी पीयू की, लेकिन एचपीयू की जो हॉस्टल लाइफ जी वो एक बात ही अलग थी। क्योंकि पीयू में जो है एचपी के लोग बहुत कम होते थे, तो बाहर के लोग ज्यादा होते थे, इतनी अट्रैक्शन नहीं होती थी। एचपीयू में ये फायदा कि सारे लोग हिमाचल के होते हैं, और हिमाचल के लोगों में जो बात होती है, वो जो भोलापन, वो जो मतलब एक अपनापन सा लगता है, वो चाहे कहीं का भी हो अपनापन सा लगता है, तो वो एक अलग बात मतलब अलग ही मजा आता था उस चीज का। मेरा श्रीकंठ हॉस्टल था, जैसे आपका वाईएससी था, वहां पे साथ में एसडीएस था, ऐसा नहीं लगता था कि भी औरों का हॉस्टल है। हम जाते थे, डिनर भी कई बार साथ किया है वहां पे, मतलब एक बहुत ही मतलब एक अच्छी फीलिंग थी वो। मतलब दिन भर की थकान रात को दोस्तों के साथ बैठ के बिल्कुल रिलैक्स हो जाते थे, और शाम को जब जैसे डिनर करते, डिनर करने के बाद हम टहलते थे, तो उस टाइम पे सबके साथ मुलाकात होती थी बढ़िया अच्छे तरीके से। तो एक बहुत ही मतलब शानदार लाइफ रही है। और बीएड से और भी चीजें सीखने को मिली है, जैसे मेरा टीचिंग में था तो कुछ टीचिंग की जो स्किल्स है वो भी सीखी, टीचर से लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, सबका जो पढ़ाने का मेथड है वो देखा, उससे भी काफी कुछ सीखने को मिला। मतलब बीएड मैं समझता हूँ कि एक आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा कोर्स है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बीएड जो सभी को जरूर करनी चाहिए, अगर कोई टीचिंग में ना भी जाना चाहे फिर भी करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो पर्सनैलिटी को है वो डेवलप करेगा, काफी हेल्प करेगा आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और हम बहुत कुछ सीखते हैं बीएड में कि हाँ भाई किस तरह से मतलब बच्चों को हैंडल करना है, किस तरह बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब किस तरह से अपनी कलीग के साथ किस तरह से हम अपने मतलब आचरण करिए, किस तरह से बहुत कुछ सीखते हैं बीएड। तो हम भी जो हमारे स्टूडेंट है बहुत सारे बीएड के स्टूडेंट होंगे, तो मैं तो बोलना चाहूंगा आज। कि एक चीज बीएड एक मैं बहुत और अच्छी।
हाँ जी, एक चीज में और ऐड हाँ करना बोलिए। चाहूंगा, आपने जो ये ऑल नेट एग्जाम के जरिए जो आपने एक बैच लाया है बीएड का, ये जो बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छी पहल है आपकी, और बहुत सारे बच्चे इससे मोटिवेट होंगे। क्योंकि हमने जब तैयारियां की थी तो मैंने भी थोड़ा तैयारियां, तो सभी करते, बिना तैयारी करके तो होता नहीं है, तो मैंने भी सर्च किया था यूट्यूब में कि क्या क्या चीजें पढ़े, तो मुझे कोई भी ऐसा कोई चैनल नहीं मिला कि जिसमें मतलब सारा मटीरियल मिल सके एक जगह पे। तो कहीं 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 कमीशन कहीं से पढ़ने पड़ते थे, फिर हिंदी में कहीं कुछ और देखना पड़ता था, बड़ी मुश्किल जाके मतलब अरेंज किया। तो आपने जिस तरह के एक चैनल चलाया है, इसके माध्यम से आप सारी तैयारियां कराने हैं, मैं समझता हूँ ये कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। और जिस तरीके से आप इस तरह के इंटरव्यू लेते हैं, इससे तो मोटिवेशन भी मिलेगी। तो बहुत ही बहुत 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 बधाई आपको इस चीज के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका चैनल है बिंदु में राज चौधरी, उनकी करें, और जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको जो है सबको सफलता मिले, और भी ज्यादा से ज्यादा जो है आपके साथ जो है इसमें लोग जुड़े, और आपका परिवार जो है बहुत ज्यादा बढ़े इसमें। इस चीज में हाँ जो जी, ऊपर वाले से धन्यवाद कामना करता हूँ। विकी जी। मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब आपके, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया है, अब आपका माहौल किस तरह का है, किस तरह का है, मतलब गांव में, घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अपने ऑफिस वर्क में, किस तरह का माहौल है, जानना चाहूंगा। क्योंकि ये वाली फीलिंग आप ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अभी तक हम एक्सपीरियंस बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी बड़ी सफलता है। जैसे मैंने पहले सोचा था कि मैं ये करूंगा, क्योंकि मेरा तो एम था कि मैंने ये करना ही करना है। लेकिन जब ये इसका रिजल्ट आया, एक्चुअली जिसमें रिजल्ट आया, मैं घर जा रहा था बस में, और रास्ते में तो मैम की कॉल आई कॉलेज से, रुचि मैम है हमारे कॉलेज में, उन्होंने कॉल करी। तो जैसे उन्होंने कॉल की, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, तो मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन किस चीज का, बोलते ऐसा सर रिजल्ट आ गया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हो। तो एकदम से मतलब वो एक, मैं कहा मैम आप सच बोल रहे हैं, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। और मतलब कि हाँ ये बिल्कुल सच है। उसके बाद जो है कॉल का ऐसा मतलब एक तांता चला कि कंटिन्यू कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, और सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा वो मतलब वायरल हो रहा था, ऐसे पोस्ट वगैरह डालते थे। तब जो मुझे पता चला, जब बहुत सारी कॉल आ रही थी कि सच में ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, उसके बाद मुझे फील हुआ, और ये लगातार 2-3 दिन चला रहा। और मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा खुश थे, और मेरे टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो बहुत ज्यादा खुश थे। वो देख के जो है मतलब एक सेटिस्फेक्शन, एक सुकून की जो है उसको फीलिंग आती है, और बहुत अच्छा फील हुआ। ये बहुत ही मतलब मोटिवेशन करने वाली, मोटिवेट करने वाली बात भी है कि गांव से आके असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। अभी तक मतलब नेट क्वालिफाई करने के सोचते हैं कि नेट क्वालिफाई हो जाए, सेट क्वालिफाई हो जाए, लेकिन ये अचीवमेंट तो बहुत ही बड़ी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया। मतलब जब मुझे पता चला, मैंने निस्ट टाइमिंग पास, मैंने आपका नाम ढूंढा सबसे पहले, तो मैंने तुरंत आपको कॉल किया। मैंने बोला अपने भाई ही लग रहे हैं, तो हाँ फिर इनको को कॉल करके बता। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल यही था बिल्कुल जी ना? बिल्कुल। हाँ, हाँ जी ठीक है। ओके हो गया। तो नहीं तो कुल मिला के अभी हम इस अपनी लाइव स्ट्रीम को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी भाई को भी काम है, ये अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो अभी इनके पास भी लोग वगैरह आ रहे होंगे। तो हम ऑल नेक्स्ट एग्जाम की तरफ से विक्की भाई जी को बहुत 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 शुभकामनाएं देते हैं, और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे धन्यवाद। चैनल पे आए, और आपने मोटिवेट किया बहुत सारे स्टूडेंट्स को। शायद आपको पता ना हो, लेकिन जो जो लोग भी इनको देखेंगे बहुत ही मोटिवेट होने वाले हैं। ये मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब मोटिवेशन की निशानी यहीं से तो आती है, किस तरह से कोई स्ट्रगल करके जब कोई सक्सेस मिलती है तो किस तरह से मतलब दिखती है वो। मतलब साफ साफ आपकी जो स्टोरी है वो हमने पूरी सुनी, और काफी ज्यादा मजा आया और काफी अच्छा लगा। तो इन सब शब्दों के साथ हम आज की इस लाइव स्ट्रीम को समाप्त करते हैं। विके भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। धन्यवाद, शुक्रिया दीपक भाई, शुक्रिया। धन्यवाद तो हम आपकी इस लाइव स्ट्रीम पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।